मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी और संघ पर हमला बोलते हुए इसे फासीवादी सोच करार दिया। साथ ही मोदी सरकार पर विपक्षी आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया। देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। गहलोत ने यह भी कहा कि हमारी आरएसएस और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। ये इनकी सोच फासीसी सोच है। इनको नहीं मतलब कि पब्लिक क्या सोचती है, इनको नहीं मतलब कि राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी है उनके क्या विचार है। डेमोक्रेसी के अंदर आप सत्ता में जरूर हो पर विपक्ष की भावनाओं का भी आदर करना पड़ता है। विपक्ष क्या सोचता है उसको भी तवज्जो देनी पड़ती। इनके लिए विपक्ष मायने कुछ नहीं। इनका मतलब है सिर्फ एक पार्टी का शासन हो देश के अंदर चाइना की तरह, बाकी पार्टियां डमी हो कागजों के अंदर और शासन अकेले करते जाएं।